वेलकम गाइस अगेन। हम लोग जरा फर्नीचर की फिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं। इन बेड के नीचे स्पेस दी हुई होती है, तो यहाँ भी आप पूरा स्टोर एज अ स्टोर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े वगैरह रख सकते हैं आप अपने। सर सोफे यार प्रिंट बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से, बड़ा जबरदस्त। इसी तरह पर्दे भी हम प्रिंट का इसी तरह वो करेंगे प्रिंट। डोमिनोज भी रखा हुआ है तुम्हारा सर, आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप इसको। ये वॉशिंग मशीन हो गई, ये फ्रिज हमारा लग गया है, बाकी चीज़ें भी अभी आ रही हैं। इलेक्ट्रिक कॉम्बी होती हैं ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऑन ऑफ का है, मैक्सिमम आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो ये चलती हैं इलेक्ट्रिक से, तो ये गर्म ठंडा पानी जो है ना, ये समझ लें आप हमारे जैसे पाकिस्तान में गीज़र होते हैं, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक गीज़र आप इसे कह सकते हैं। अच्छा ये आप देख सकते हैं इनके बेड्स के नीचे ना पूरा ये एक स्पेस होती है, तो यहाँ आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं इजीली। ये शाहरुख भाई सोफे वगैरह डाल दिए हैं आपके सब, और ये फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें कर दी हैं, बाकी ये बेड वगैरह लग रहा है भी आपका, और ये बेड हमने आपका लगा दिया है। सही है सर, तो काम चल रहा है अभी। बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं। मुझे हरा कर कोई मेरी जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। हमारे यहाँ बदला लेने की परंपरा है, कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि अगली डील में पुराने नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, यही कल्चर है हमारा। Assalamualaikum guys, welcome back to World Channel. आज पहले हमारी दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मेरे पीछे देख रहे होंगे, लास्ट व्लॉग आपने आपने देखा होगा कि शाहरुख भाई आए थे, और शाहरुख भाई ने लम्बुद्दाम से अपार्टमेंट बाय करा था। देन शाहरुख भाई हमें अपार्टमेंट देखे गए थे कि हसन भाई आप इसको रेनोवेट करके फर्निश करके रेंट पे चढ़ा दीजिएगा। तो आप मेरे बैक साइड पर मंदिर देख रहे होंगे अली भाई दोस्त हुए। हेलो अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो अली भाई जो है और मैं जो है वो स्पॉट पे आए हुए हैं अलहमदुल्ला। तकरीबन ऑलमोस्ट हमने फर्निश का सारा सामान उठा लिया है और बहुत अच्छे प्राइस में बहुत अच्छा सामान उठाया है। अगर यहाँ इस्तांबुल में आप लोग को घर फर्निश करना हो तो इस रिगार्डिंग भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर। और अभी चलेंगे अपार्टमेंट पे और फिर अली भाई से मालूमात लेंगे, क्योंकि अलहमदुल्ला अली भाई इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि बंदे जो बड़े लोग होते हैं उनका तजुर्बा होता है। तो अली भाई सीनियर हैं, मैंने अली भाई को चीज़ में आगे रखा हुआ था। आप सारी चीज़ पोस्ट करें, चेक करें फर्नीचर की क्वालिटी क्यों है, बिकॉज अली भाई इंटीरियर डिजाइनर भी हैं और उन्होंने अपना घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट कराया हुआ। तो शाहरुख भाई की विश थी कि अली भाई इसको फर्निश करें। तो अभी हमने ऑलमोस्ट फ्रिज वॉशिंग मशीन तमाम सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, और बस अभी ट्रक पीछे लोड हो रहा है और चलते हैं शाहरुख भाई के अपार्टमेंट पर, सामान वगैरह सब रखवाते हैं। तो भाई हम आ गए शाहरुख भाई के अपार्टमेंट में, और सामान जो है वो उतर रहा है सामने, आप विंडो से देख सकते हैं ये बंदे सामान लेकर आ रहे हैं अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता सामान आ गया है। और अली भाई अंदर है, अली भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी सर। आ गया सर, सोफे यार प्रिंट बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से, बड़ा जबरदस्त। इसी तरह पर्दे भी हम प्रिंट का इसी तरह वो करेंगे प्रिंट। डोमिनोज भी रखा हुआ है तुम्हारा सर, आप बिस्मिल्लाह करें। और ये सोफा भी आ गया अंदर, सोफा भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहा है। एल शेप का एक बड़ा आएगा वहाँ और एक ये इधर आएगा, सही ये इसको इधर ही करना। तो अभी आपको साथ साथ हम दिखा भी रहे हैं कि भाई किस तरह हम क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शाहरुख भाई हम पे छोड़ के गए थे कि आप फर्निश कर दीजिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम सब सामान लेकर आ रही है और अली भाई भी लगे हुए हैं उनके साथ, और सारा सिस्टम ओके की रिपोर्ट चल रहा है। ये सोफा आ गया है हमारा, तो ये सोफा भी अभी अंदर रखते हैं और फिर इसको आपको पूरा सेट करके एंड में दिखाते भी हैं, और अली भाई से फिर बात भी करेंगे कि यहाँ अपार्टमेंट कितने तक के फर्निश हो जाते हैं और किस किस क्वालिटी का सामान है। तो जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ देख रही हैं, अगर उनको फर्नीचर चाहिए हो या फर्निश करना हो आपको अपार्टमेंट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। और जो लोग हमें नए देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ प्रॉपर्टी बाय करनी हो और आपको प्रॉपर्टी बाय करने के बाद घर आपको फर्निश करना हो, तो देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अच्छा एक और आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ जो है टर्की में घर में जो है वो इलेक्ट्रिक कॉम्बी होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऑन ऑफ का है, मैक्सिमम आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो ये चलती हैं इलेक्ट्रिक से, तो ये गर्म ठंडा पानी जो है ना, ये समझ लें आप
हमारे जैसे पाकिस्तान में गीज़र होते हैं तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक गीज़र आप इसे कह सकते हैं, तो ये कंट्रोलेबल होते हैं, ये लाइट से चलते हैं, ये सुई गैस से नहीं चलते हैं, तो ये गर्म ठंडा पानी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक गीज़र इस्तेमाल होते हैं। ये बेटी का रूम है तो यहाँ भी जो सिंगल बच्चा सोएगा तो उसका सामान भी अभी दिखाइएगा ज़रा, नीचे बेड के नीचे स्पेस दी भी होती है, तो यहाँ भी आप पूरा स्टोर एज अ स्टोर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े वगैरह रख सकते हैं आप अपने। अच्छा ये आप देख सकते हैं इनके बेड्स के नीचे ना पूरा ये एक स्पेस होती है, तो यहाँ आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं इजीली। तो यहाँ टर्की में इस स्टाइल के बैग हैं कि यहाँ अलमारी वगैरह भी आप नहीं लें तो अलमारी के बगैर भी आपके स्टोर रूम्स बेड के नीचे दिए हुए होते हैं। ये भाई वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल हो गई है, सीमेंस की ये वॉशिंग मशीन हमने ली है, सही है। तो ये ड्रायर भी है और ये आपके कपड़े भी जो है वो ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप इसको। तो वॉशिंग मशीन हो गई है, ये फ्रिज हमारा लग गया है, बाकी चीज़ें भी अभी आ रही हैं। तो गाइस अगेन हम लोग ज़रा फर्नीचर की फिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ के फर्नीचर्स वगैरह होते हैं वो डिसमेंटल होते हैं और उनको जो ना चीज़ों को रिसम्बल किया जाता है। और ये हमारे साथ आतिफ आपे खड़े हैं हमारे, और ये इनके हेल्पर हैं, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारी चीज़ों का, और फर्नीचर वगैरह के लिए इनके गोदाम भी है और शॉप भी है इनकी। आतिफ आपे से हेलो, तुर्किया। तो ये हमारे साथ होते हैं और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्नीचर वगैरह ये बन रहा है पूरा, और इसको सेटल डाउन करेंगे। दूसरा वो मशीन और फ्रिज सेट हो गया है, अभी हमें चूल्हा लेना है इसका, तो जैसे जैसे हर चीज़ होती जाएगी, कर्टन्स वगैरह लेने हैं, सब चीज़ें लेनी हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने सब कुछ फर्निश कर लिया है, सही है। और आप देख सकते हैं ये व्यू, ये शाहरुख भाई का जो है वो लाउंज है, सही है। ये सोफ़ा सेट हम लोगों ने डाले, तो आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फुल अली भाई ने ना टर्किश सेटअप है पूरा, और ये कलर्स भी टर्किश होते हैं, सही। क्योंकि मैंने निकाला, शाहरुख भाई ने देखी हुई थी चीज़ें, तो मैंने कहा भाई उनको उसी लिहाज से टर्किश लिहाज से वो किया जाए। किचन का ये फ्रिज, इसका है ये एक्रेलिक का, सीमेंट्स की मशीन है, अभी ओवन और ऊपर का टॉप जो है वो जो दो हिस्सों में आता है, इसमें यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर चूल्हे आ जाएंगे, नीचे ओवन आ जाएगा, सही। और दूसरा ये एक रूम है, ये शाहरुख भाई की बेटी का रूम, इनका डॉल हाउस का कहलाता है वो रूम, मैंने बेड तलाश किया था डॉल हाउस का, ये इसमें भी स्पेस होता है, और ये इनका बेडरूम है, बेहतरीन माशाल्लाह जबरदस्त, ये बड़ा बेडरूम तैयार कर दिया, ये वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, अपार्टमेंट टूर भी कर लें, सही है। और ये एक शाहरुख भाई का डबल रूम है, सही है, बेहतरीन है अली भाई, जबरदस्त सर। थोड़ा सा अली भाई इधर थोड़ा सा बताएं, फर्निश वगैरह जब हम लोग आए थे तो अभी तो काफ़ी महंगाई वगैरह हो गई है, आज हम उधर बैठ ही आते हैं, तो जब आप आए थे आपने अपना घर फर्निश करा था और अभी हमने शाहरुख भाई का करा है, तो क्या डिफरेंस है और कितने तक में ऑलमोस्ट यहाँ घर फर्निश हो जाता है, तो थोड़ा सा अली भाई नज़रसानी फरमाए। सर जब हम लोग 5-6 महीने पहले मैंने आके अपना अपार्टमेंट सेट किया था, उस वक्त डॉलर भी नीचे था, सही है ना, सही। और बीच में और डॉलर नीचे आ गया था, तो प्राइस रेंज जो है ना वो तकरीबन जो है ना हर चीज़ में 1,000-1,200 रुपये, 1,500 रुपये की वो बढ़ी है। अब ये मैट्रेस वगैरह जो हैं ये जो है ना वैसे आपको 3-4 के मिल जाते थे, अभी वो 4.5-5 तक के मिल रहे हैं, जो वारंटी वाले मैट्रेस होते हैं। इनफैक्ट कि भाई अभी थोड़ी गर्मियाँ आ गई हैं, पंखा जो मैंने लास्ट ईयर लिया था, बिल्कुल, जो 250-300 लीरा का पंखा था वो अभी राइट ना वो 900 लीरा का है। जी हाँ, 600-900 के अंदर मिल रहा है, मैंने अभी एक लिया था, बल्कि हसनैन भाई से ही रिक्वेस्ट की थी तो वो लेते हुए आए थे, तो उतने 650 का पड़ा था। अच्छा अली भाई, अभी कंप्लीट हमने जो फर्निश करा है तो इस स्टैंडर्ड का ये अच्छा फैंसी सोफे हैं, लोकल नहीं है बिल्कुल, यहाँ इससे थकी हुई क्वालिटी भी मिल रही होती है, बिल्कुल सही है, हर किस्म का माल मिल रहा होता है, तो ये अच्छी फैंसी सोफे हमने लगाए, सीमेंट्स की वॉशिंग मशीन है, देन एक्रेलिक का फ्रिज है और डॉल हाउस वाला बेड है, तो ये इस किस्म का फैंसी सेटअप ऑलमोस्ट फर्निश में कितना अमाउंट हमारा लग जाता है सर? तकरीबन आप ये लगा लें कि अभी ओवन वगैरह के साथ पर्दे अभी नहीं लगे, सही। अभी पर्दों की तो रेंज अलग ही होती है, सही। वो उसके साथ से सोफे के साथ से बैठ के ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना 20,000 से ऊपर लगा लें आप इस वक्त,
सही, क्योंकि 20,000 क्योंकि अब डॉलर ऊपर आ गया है सही, और जो ना महंगा होता चला जा रहा है। वैसे जब आपने करा था उस वक्त भी तकरीबन 10-15,000 का लगा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल मैंने डाल दी थी। सही। फिर दूसरी उसमें ये चीजें होती थी कि जैसे कारपेट्स वगैरह हैं, लैंप्स हैं, ये जो डेकोरेशन की चीजें होती है अलग उसमें काउंट नहीं कर सकते हम, वो तो आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जी कौन सी चीज डाल रहा है, क्या कर रहा है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, ये चीजें छोटी छोटी ये भी वो करती है। अभी आप देख रहे हैं, आप यहाँ वॉल्स वगैरह भी अभी खाली हैं, अभी हम आप इसको फुल फर्निश करके आपको दोबारा से एक इसका व्लॉग हम शेयर करेंगे जब ये बिल्कुल कंचा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। पर्दे शर्दे लग जाएंगे, अभी पर्दे लगेंगे, अभी यहाँ पर्दे नहीं लगे हुए, तो अभी अलहमदुल्ला हमने 70% तो फर्निश कर दिया है, 70% और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में फर्निश हो जाएंगी, और फिर ये हम इसको आगे रेंट आउट करेंगे। तो अगर ये 2+1 किसी को फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स अगर रेंट्स पर चाहिए, तो देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और जिन लोगों ने हमें इस वीडियो को नया आज ही पहली दफ़ा हमें देखा है, नया ज्वाइन करा है, तो हम उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अली भाई और मैं यहाँ टर्की में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग अ लाइसेंस कंपनी हियर, हम लोग यहाँ इमलाक का लाइसेंस भी हमारे पास, ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी है। आपको यहाँ कोई भी बिजनेस अगर करना हो रियल इस्टेट का, आपको यहाँ प्रॉपर्टी बाय करनी हो, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोई भी काम हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और हम इंशाल्लाह ताला आपकी खदमात के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जिन लोगों को इस वाले व्लॉग की कहानी समझ में नहीं आई है, तो वो लास्ट व्लॉग जाके ज़रूर देखें, उसमें शाहरुख भाई का मैंने पूरी स्टोरी शेयर करी है, जिस दिन शाहरुख भाई आए थे, फिर हमने उनका टापू ट्रांसफ़र कराया, देन हमने उनका अपार्टमेंट फर्निश कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह ताला का करम है। तो थैंक यू वेरी मच शाहरुख भाई फॉर चूजिंग अस, और इंशाल्लाह ताला जब आप आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स आपके आने का इरादा है, तो इंशाल्लाह ताला ये अपार्टमेंट आपको ऐसे ही फर्निश मिलेगा, आप यहाँ आराम से आके अपनी रिहाइश कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में आप हमारे प्रॉपर्टीज़ के टूर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अली भाई और हमारा प्लान है वी विल गो फॉर अ विलास टूर, तो देख रहे हैं मेरे पास बहुत विलास की क्यूरीज आ रही हैं कि हमें विला बाय करना है, तो आने वाले व्लॉग्स में आप हमारे विलास का टूर देखेंगे। तो चैनल से कनेक्ट रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।